हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी शाम का नज़ारा है, हम लोग मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। मरीन ड्राइव था, अच्छे होटल वगैरह उधर हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं मेट्रो का। यहाँ पर मैं हूँ, मेरा भाई साहब है, दोस्त लोग हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि मेट्रो आएगी। उससे इस साइड वाली से आने वाली है, हम लोग उससे जाने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद वो भी मेट्रो आने वाले ही हैं। हम लोग 2-4 मिनट से खड़ा हूँ, देखो उधर से वो आ रही है, इधर से आएगी मेट्रो, देखो आ रही है। अब इस तरह से धीरे धीरे गेट खुलेंगे और हम लोग मेट्रो के अंदर इन करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे जहाँ का प्लानिंग बनाया है वहाँ पर घूमने। ये अभी हम लोग मेट्रो का गेट है खुला, हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। ऑटोमेटिक डोर रहता है, ऑटोमेटिक खुलता है, बंद होता है। देखिए भाई लोग, कौन सा स्टेशन है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारत, वो देखने को काफ़ी हमको अच्छा लगा। इसमें सोचा कि थोड़ा सा इसका भी ये कर लूँ, वीडियो बना लूँ। देखो काफ़ी लंबी है, पतली है, ज़्यादा पतली है और लंबी है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा था। अभी हम लोग यहाँ से देखे उतरे, ये भी ये स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है मालूम नहीं चल रहा है। घूमने आए हैं, बस घूमने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे लोकेशन पर जहाँ पर हम लोग घूमने जाने वाले थे। ये गेटवे ऑफ इंडिया है और इसके बगल में होटल ताज है, जो कि काफ़ी बड़ा और सुंदर लग रहा था दिखने में। बाहर से ही तो इतना सुंदर है, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या नज़ारा होगा वो आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना नज़ारा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ तो इतनी थी कि कहना नहीं है। 26 जनवरी का दिन था, लोग आए हुए थे, इधर से बहुत भीड़ थी, रात का समय है और इतना भीड़ थी कि और जो गेट होता है, ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया का जो गेट है वो बाहर से लॉक किया होता है, अंदर किसी का एंट्री नहीं था। अगर अंदर एंट्री होता है तो हम लोग सामने से जा कर के वीडियो बनाते और आप लोग को दिखाते कि क्या नज़ारा है गेटवे ऑफ इंडिया का। उधर जो बीच है देखें, ये देखिए ताज होटल, दोनों आसपास का है, बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत बड़ा। हम लोग तो बाहर से ही देखे, बहुत अच्छा और सुंदर है, बहुत सेफ जगह है यहाँ पर, बहुत बड़ा ताज होटल। यहाँ से इस साइड उस साइड लगी नहीं रही कि ये है, ये सबसे 5-स्टार होटल है मुंबई का, है भी। देखो ये इधर का नज़ारा है, हम लोग इधर भी घूमे लेकिन अंदर जाने का एंट्री नहीं था, इसकी वजह से हम लोग ये बार बार से ही थोड़ा सा शूट कर लिए, ताकि हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अंदर जाके भी वीडियो बना सकते हैं। और इधर का नज़ारा भी इसी तरह से बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और अंदर में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कुछ साउंड वगैरह आया। और देखो इधर बीच का नज़ारा, इधर लोग हैं इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नारे लगा रहे थे, गाने पर डांस कर रहे थे, घूम रहे थे, और उसी तरह से हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। देखिए अभी इधर का नज़ारा देखिए, देखो गाइस, ये देखिए चर्च गेट का नज़ारा, सुंदर नज़ारा है भाई, मानो तिरंगा झंडा पूरा देश का शान है इस कलर पे, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ट्रैफिक आगे देखो, कितना नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा भाई, सबसे हमको अच्छा ये लग रहा है। आज गए थे घूमने के लिए, सबसे अच्छा हमको वो लगा तिरंगा झंडा वाला। ये देखो इधर भी एक है, या पता नहीं होटल है कि क्या है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा, होटल का नज़ारा। देखिए हम लोग पहुँचे पता नहीं कौन से होते थे, हमको घूमने जा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था घूम करके। देखो इधर देखो नारा के, देखो भाई ताज होटल, कौन इधर आया ताज होटल, एक ही दफा चल लिया संघर्ष विद्यालय, संघर्ष विद्यालय रे, थोड़ा मेरा मेरा थोड़ा भाई घर लोग बहुत सारी लगी थी, इसी कारण से हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। जो देखो भाई कोई बात नहीं भाई, चलेगा। हाँ